देवदेव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशन त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे। नमस्ते जगदाधार जगदात्मन नमस्तुते कैवल्य त्रिगुणातीत गुणांजनम नमस्तुते। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकंत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे। नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज देवी त्वं विष्णु मायापि मोहयन्ति चराचरम ऋत्पद्मासनं संस्थासि विष्णु भावानुसारिणी। जय देवी भक्तिदात्री प्रसीद परमेश्वरी जय देवी सुभद्रे त्वं सर्वेषां भद्रदायिनी। सुदर्शन महाज्वाला कोटि सूर्य समप्रभा अज्ञान तिमिरंधानं वैकुंठाब्ध प्रभदर्शक। नमस्ते नित्य विलसत् वैष्णवास्त्र निकेतन अवैरं वीर्य यद्रूपं विष्णोस्तत् प्रणमाम्यहम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आज अंतिम दिन है जगन्नाथ कथा का। वैसे 7 दिन में तो कहाँ जगन्नाथ जी के सारे कथाएं कह सकते हैं। भगवान की कथा कभी ख़त्म नहीं होता है। इसलिए जो भी मेरे बुद्धि में फिट हुआ, पूर्ववर्ती गुरुजनों से सुना था और कुछ किताबों से गुरुजनों के द्वारा लिखा हुआ किताबों से पढ़ा था, वो सब मैंने आप सबको बताया है। उसमें से भी ऐसे कई बहुत ही रोचक रोचक भगवान जगन्नाथ जी की लीलाएं जो है वो अभी भी रह गए हैं। तो आज अंतिम दिवस में भगवान जगन्नाथ जी की भक्त वत्सल था, भक्तों के प्रति कितने वात्सल्य रहते हैं, वो कृपा दयालु रहते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा श्रवण करेंगे थोड़ी देर। भगवान के कुछ पार्षदों उनके उनके कुछ भक्तों के बारे में, उनके कुछ भक्तों की लीलाओं के बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। साथ साथ में एक और मुख्य विषय है जो हमारे सबसे बड़ी चर्चा का विषय जो रह गया, वो है भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। ये रथ यात्रा ऐसा नहीं कि केवल जगन्नाथ पुरी में ही प्रारंभ हुआ है। असलियत में रथ यात्रा द्वापर युग से ही चल रहा है। ये रथ यात्रा के पीछे भाव क्या है? रथ यात्रा के पीछे भाव यह है कि ब्रजवासी, विशेष रूप से वृंदावन के निवासी भगवान को द्वारका से वृंदावन ले जाते हैं। यही रथ यात्रा है, यही रथ यात्रा का भाव है। एक बार ये घटना घटी थी, जब भी सूर्य ग्रहण का समय था, सूर्य ग्रहण हुआ था, उस समय सभी द्वारकावासी कुरुक्षेत्र गए हुए थे, क्योंकि ग्रहण के समय पर तीर्थ स्नान स्थान में रहना और तीर्थ स्नान के जो पवित्र नदी और पुष्करणी में उसमें स्नान करने की प्रथा है। तो सारे द्वारकावासी गए हुए थे कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। किसके लिए? ये ग्रहण के समय पर वहाँ पर भगवान की उपासना करने के लिए। और ठीक उसी समय पर सारे ब्रज के वासी भी वहाँ पर आए हुए थे, सारे ब्रजवासी भी वहाँ पर आए हुए थे, श्रीमती राधा रानी, गोपियाँ, नंद बाबा, यशोदा मैया, और इधर से द्वारकावासी गए थे भगवान श्री कृष्ण के साथ, सभी लोग गए हुए थे, माता देवकी, वसुदेव जी, सभी लोग। तो वहाँ पर ये द्वारकावासियों के साथ साथ ब्रजवासियों का भेंट हो जाती है। यशोदा मैया से देवकी माता भेंट करती है, वसुदेव जी से नंद बाबा भेंट करते हैं, सभी आपस में वार्तालाप करते हैं। परंतु गोपियों का आंखें वो खोज रहे थे उस ब्रज के श्याम सुंदर को, उस कृष्ण को खोज रहे थे, जो कृष्ण ये कहकर गए थे कि हम वापस आएंगे, मगर वो आए थे नहीं। कई मैसेंजर्स को भेजे, उद्धव जी को भेजे कि मैं आऊँगा, मगर उद्धव जी बोलकर आए कि भगवान आएंगे, मगर आए नहीं थे।
तो भगवान कृष्ण की दर्शन की अभिलाषा से गोपियों का आंखें तरस गए थे कि कब वो श्याम सुंदर, वो ब्रजेंद्र नंदन, वो नंद नंदन, यशोदा नंदन जो है दर्शन देंगे। उसको खोज रहे थे, सब जगह जा रहे थे कि कहाँ कृष्ण मिलेंगे करके। उधर कृष्ण, बलराम और सुभद्रा महारानी सभी लोग आए हुए थे वहां पर, किसके लिए? उस तीर्थ स्नान करने के लिए सूर्य ग्रहण के समय पर। तो अचानक गोपियां और राधारानी समेत भगवान श्री कृष्ण से भेंट होती है वहां पर, और गोपियां राधारानी को कहते हैं कि हे राधे, ये देखो श्याम सुंदर यहाँ पर हैं। तभी श्रीमती राधारानी देखते हैं अपने श्याम सुंदर को, राधारानी पहचान नहीं पाती है। राधारानी कहते हैं कि ना ना, ये मेरे श्याम नहीं है, ये तो कोई राजा का लड़का है, राजकुमार है कोई। देखो कितना महंगा और कितना बड़ा मुकुट पहना हुआ है, कितने अलंकार पहना हुआ है, कितना राजसी ठाणी में रथ पर बैठा हुआ है ना, सारे अस्त्र शस्त्र नौकर चाकर बहुत ऐश्वर्यपूर्ण भाव में है, ये हमारे श्याम नहीं है, राधा रानी कहती है। गोपियां कहते हैं कि यही तो है श्याम, यही है हमारे कृष्ण, नहीं कहते, राधा रानी मना करती, नहीं नहीं ये नहीं नंदलाल, मोरा कान्हा धेनु चरैया, मोरा कान्हा धेनु चरैया, ये तो है राजकुमार, ये नहीं नंदलाल, नहीं नहीं ये नहीं नंदलाल। राधारानी कहती कि ना ना ना, ये तो मेरा नंदलाल नहीं है, ये मेरा श्याम सुंदर नहीं है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि राधे, मैं श्याम हूँ, मैं ही तुम्हारा कृष्ण हूँ, मैं ही तुम्हारा श्याम सुंदर हूँ। तो फिर राधारानी कहती हैं, प्रभु अगर आप श्याम हैं तो फिर ये वेशभूषा, ये राजसी ठाणी और ये ऐश्वर्य का वातावरण और ये स्थान, ये भीड़, ये सब सही नहीं है। आप श्याम हैं, आप वही श्याम हैं, मैं वही राधा हूँ, परंतु ये स्थान सही नहीं है, हमारा कुंज वन नहीं है, यमुना के किनारा नहीं है, और सुशीतल धीर समीर नहीं है, आपकी मधुर मुरली का ध्वनि नहीं है, उस वो गोपियां हैं, मैं राधा रानी यहाँ पर हूँ, आप श्याम में, परंतु ये वातावरण ठीक नहीं है। चलिए चलिए प्रभु, कितने दिनों से हमारी ये आँख जो है वो तरस गए आपके दिव्य रूप का दर्शन करने के लिए, हमारे कान तरस गए आपके आपके बांसुरी का धुन सुनने के लिए, सारे ब्रज लताएं, सारे कुंज वन, सारे मोर, सारे गाय, सारे ब्रजवासी तरस रहे हैं प्रभु आपके दर्शन करने के लिए। आप कहकर गए कि आप वापस आएंगे, मगर अभी तक आए नहीं। प्रभु कृपया चलिए चलिए वापस चलिए करके जगन भगवान को रथ पर बिठा देते हैं, और बिठाकर राधा रानी, गोपियां और सारे ब्रजवासी वो खींच कर ले जाते हैं काम पर और ब्रज में ले जाते हैं, वही रथ यात्रा है। तीनों भाई बहन को बिठाते हैं रथ पर और सारे ब्रजवासी जो है उनको ले जाते हैं। ये रथ यात्रा का भाव है, ये रथ यात्रा का बहुत बड़ा प्रसंग है। श्री चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के सही भाव को व्यक्त करते हैं, और उस समय अनेकों मंत्र श्लोकों के द्वारा भगवान जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते हैं जगन्नाथपुरी में। तो कभी श्री चैतन्य महाप्रभु श्री क्षेत्र में श्री चैतन्य के बारे में जब श्रवण करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस भाव के साथ असलियत में भक्त रथ यात्रा करते हैं। जब भी पुरी में रथ यात्रा होता है तो श्री गुंडीचा मंदिर जो है वो द्वारका का ऐश्वर्य का वातावरण है, और जो गुंडीचा का सॉरी श्री मंदिर और गुंडीचा मंदिर जो है वो वृंदावन कहते हैं उसको, तो वहाँ पर वृंदावन में ले जाते हैं जगन्नाथ जी को। तो ये रथ यात्रा का भाव है। तो यहाँ पर हुआ करता था, मगर इस साल नहीं होगा रथ यात्रा,
तो इसलिए हम जगन्नाथ जी की कुछ कथाओं को श्रवण करने के लिए प्रयास किए। तो कुछ भक्तों के बारे में हम लोग जगन्नाथ जी के सुनते हैं। आप सबको बताया था कि भगवान जगन्नाथ जी का एक नाम है दीन बंधु। तो जो दीन व्यक्ति होते हैं उनके वो फ्रेंड हैं, ऐसे जगह बंधु भी है, जगह बंधु सारे जगत के फ्रेंड हैं। गीता में भी कृष्ण कहते हैं सुहृदम, सो सबके सुहृद है भगवान, सर्वभूतानाम सारे सारे जीवों के सुहृद है, बंधु है, फ्रेंड है, वही रियल फ्रेंड है असलियत में। साधारण तो भौतिक संसार के जो बंधु होते हैं, बंधु मतलब फ्रेंड, जो फ्रेंड होते हैं या रिलेटिव कह सकते हैं, रिलेटिव होते हैं, वो तो असमय पर जब भी जरूरत है, जब भी कष्ट में रहते हैं ऐसे परिस्थिति में छोड़ देते हैं। सब कुछ सही रहता है तो वो लोग हमारे साथ रहते हैं, मगर भगवान ऐसे बंधु हैं जीवात्मा की, हर परिस्थिति में जीवात्मा को छोड़कर जाते नहीं हैं। हालांकि जीवात्मा कभी उनकी कदर नहीं करती है, जीवात्मा कभी कदर नहीं करता है परमात्मा का। वेदों में कहा गया है एक ही वृक्ष के एक ही ब्रांच के ऊपर दो पक्षी बैठे रहते हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। जीवात्मा हमेशा इस संसार की सुख और दुख को भोग करने के लिए वो विभिन्न प्रकार के उस वृक्ष के फलों को खाने के लिए प्रयास करता है, पर और वहाँ पर उसको कभी खट्टा फल, कभी तीखा फल, कभी कड़वा फल मिलता है, और यही जीवात्मा इस संसार में भोग करने के लिए प्रयास करता है। परमात्मा बाजू में बैठकर हमेशा सोचता है कि कब ये मेरे और देखेगा, मगर कभी जीवात्मा देख नहीं पाता है। ये भगवान कभी नहीं छोड़ते हैं हमको। हम मनुष्य योनि में होते हैं तब पर भी प्रभु साथ में रहते हैं, हम देव लोक में रहते हैं तब पर भी प्रभु साथ में रहते हैं। अगर हमारे दुर्दांत कर्मों के वजह से, दुष्कर्मों के वजह से अगर हम निम्न योनियों में जाते हैं, हम अगर पशु योनि में जाते हैं, हम अगर पक्षी वृक्ष लताओं की योनि में, यहाँ तक कि कीड़ा की योनि में भी जाते हैं, तब पर भी परमात्मा हमारे साथ नहीं छोड़ते हैं। तो सोचो रियल बंधु कौन है, फ्रेंड कौन है, रिलेटिव कौन है? इस संसार के लोग कब तक रहेंगे? ये पति पत्नी भाई बंधु कुटुंब ये सब कब तक रहेंगे, फ्रेंड्स कब तक रहेंगे? जब तक ये शरीर है। कुछ लोग के जब तक पैसा होता है तब तक होते, कुछ लोग के जब तक रेस्पेक्ट होता है तब तक होते, कुछ लोग के जब तक हमारे पास पोस्ट पोजिशन होता है तब तक होते हैं, और कुछ लोग हमारा शरीर होता है तब तक होता है, मगर शरीर के बाद कोई साथ में नहीं देता है। मगर ये प्रभु अकेले ही हैं जो हमें हर समय साथ देते हैं। ऐसी एक घटना हुआ था जगन्नाथ जी के, जगन्नाथपुरी से कई मीलों दूर, कई मीलों दूर एक डिस्ट्रिक्ट है जाजपुर करके, जाजपुर, उस जाजपुर में एक ब्राह्मण रहा करते थे, और ये ब्राह्मण भगवान जगन्नाथ जी के बहुत ऊंचे कोटि के भक्त थे, मगर जीवन में कभी जगन्नाथपुरी नहीं आए थे वो, क्योंकि बड़े गरीब थे। वो जाते थे कहीं कुछ भिक्षाटन करने के लिए, ब्राह्मण है तो भिक्षा मांगने के बाद जो कुछ भी उनको मिल जाता था उसी में उनके भरण पोषण परिवार का होता था। तीन बच्चे हैं, पत्नी है, और भिक्षा मांगने के बाद जो कुछ भी उनको मिल जाता है उसी में उनका परिवार चला लेते थे। मगर वो भगवान कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करना, गीता की अध्ययन करना कभी बंद नहीं करते थे। प्रतिदिन वो सोचते थे कि प्रभु कब वो दिन आएगा कि मैं आपके दर्शन कर सकूंगा, आप मुझे दर्शन देंगे, कब ऐसे दिन आएगा, क्या सच में मेरे जीवन में कभी ऐसा आएगा कि मैं आपका दर्शन कर सकूं, ये रोज वो सोचता था। रोज वो सोचता था इसी प्रकार से। तो अचानक एक साल ऐसा हुआ कि उस जाजपुर में सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, एक साल बारिश नहीं हुआ। तो फिर एक साल बारिश ना होने के वजह से अनाजों की कमी आने लगी, लोग जो है बड़े ये करते करते जो है अपने का भरण पोषण करते थे, तो लोगों को खुद को खाने के लिए नहीं है तो भिखारी को भिक्षा क्या देंगे या ब्राह्मण को दान क्या देंगे। तो जब भी ब्राह्मण दान मांगने जाते तो धीरे धीरे लोग देना कम कर दिए, और ब्राह्मण जो है वो घर में खाना का कम हो गया, बच्चों को प्रतिदिन खाना नहीं दे पा रहा था। धीरे धीरे से ऐसे दिन आया कि इस जाजपुर के जो ब्राह्मण है उसको कोई अनाज दिया ही नहीं, क्योंकि सबके पास अनाज जो है वो खत्म हो गए थे और लोग ऐसे भूखा मर रहे थे। पत्नी सोचने लगी कि अभी क्या होगा, कोई तो अनाज देंगे नहीं, कोई तो दान देंगे नहीं,
उसे पूछते हैं, मगर ये प्रफुल्लित रहते थे। इनको ज़्यादातर समय जो है गीता भागवत पढ़ने में टाइम मिल जाता था, बाहर जाने का ज़रूरत नहीं क्योंकि कोई देंगे ही नहीं। घर में जो कुछ थोड़ा बहुत रखा था उसमें बच्चों के लिए बना बना के पति पत्नी भूखा रहते थे, और ये तो अपना पेट भर लेता था कैसे, भागवत पढ़ के। जैसे श्रील सुखदेव गोस्वामी भागवत सुन सुन के कभी उनको भूख और प्यास नहीं लगा था, ये ब्राह्मण वैसे गीता भागवत पढ़ने में इतना मग्न हो जाता था कि उसको भूख प्यास की सताती नहीं थी। पत्नी को लगती थी, मगर पत्नी को सबसे ज़्यादा दुख ये था कि मेरे बच्चे खा नहीं रहे हैं। एक माँ कैसे सह सकती है कि अपने बच्चों को दुखी देख कर? वो अपना पेट को भूखा रख सकती है, अपने आप को तकलीफ दे सकती है, मगर अपने संतानों को नहीं। तो उस ब्राह्मण की पत्नी कहने लगी कि प्रभु आप और हम तो ठीक है, अपने पेट पर गीला कपड़ा डाल के हम लोग जी जाएंगे जितना दिन हो देखते हैं, परंतु इस बच्चों को मरते हुए मैं नहीं देख सकती हूँ। पूछती है क्या आपकी कोई रिलेटिव्स नहीं है, आपकी कोई बंधु नहीं है जिनके वहाँ जाकर कुछ मांग के ले आओ? तो ब्राह्मण कहता है कि मेरा तो कोई रिलेटिव है ही नहीं, और फिर साइलेंट हो जाता है। फिर बोलता हाँ हाँ मुझे याद आया, मेरा एक बंधु है, मेरा एक फ्रेंड है, एक ही फ्रेंड है मेरा। ताकि हो कहाँ है ना, बहुत दूर रहता है, पुरी में रहता है, पुरी में। और तुम्हें मालूम है मेरा फ्रेंड जो ना बहुत बड़ा राजा है, वो पूरा जगत को, मतलब पूरे संसार को भरण पोषण कर सकता है और करता भी है। वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा राजा है, बड़ा महल है उसका, और वो मेरा फ्रेंड है। तो पत्नी बोलती है ओ जी आज तक तो आपने कभी ये बात बताई नहीं हमको कि आपके कोई एक राजा मित्र भी हैं ना। हाँ है ना, क्यों ना हम वहाँ चलते हैं, क्या वो राजा है हमें पहचानेंगे, आपको पहचानेंगे ऐसी परिस्थिति में, दरिद्र परिस्थिति में? तो बोलता है कि हम पहचानेंगे ना, वो सबको पहचानते हैं, हमें भी पहचानेंगे ना। पत्नी कहती है तो यही अच्छा होगा कि आपके फ्रेंड के वहाँ पर चलते हैं, और आपके फ्रेंड के वहाँ पर चलेंगे कुछ दिन, इतना बड़ा महल है, अगर नहीं भी पहचाने तो इतने बड़े दयालु होंगे, उनको कहेंगे कि हम आपके घर पे कुछ काम करके रह जाएंगे, नौकरी करके, और हमको केवल थोड़ा सा दो वक्त का खाने के लिए दे देना, और जब यहाँ का वातावरण सुधर जाएगा, फिर बारिश होगा तो हम यहाँ आ जाएंगे। तो पति बोलता है कि हाँ चलते हैं वहाँ पर, क्योंकि उसको तो कब से इच्छा था कि पूरी जाऊँ, मगर अपने संतान और अपने परिवार के वजह से वो जा नहीं पा रहा था बेचारा, है कि नहीं? हरे कृष्ण ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है, चलेगा इतना। आपका आवाज आ रहा है ना पीछे तक? हाँ ठीक, हरे कृष्ण। तो बंधु वो जो महांती उनका सरनेम था, वो तो बड़ा खुश हो गया, वो तो सोचने लगा कि मेरा जो इच्छा था जीवन में कि भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, वो अभी पूरा हो जाएगा क्योंकि अभी मैं पूरी जाऊंगा। तो पत्नी को कहता है कि ठीक है चलते हैं, बच्चों को गोद में लेते हैं, जो चलने वाला लड़का है उसको चलाते हैं, और वो निकल जाते हैं जगन्नाथपुरी के लिए। चलते 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 जगन्नाथपुरी जब पहुँचते हैं, तो उस दिन जो है जगन्नाथपुरी जिस दिन पहुँचते हैं उस दिन शाम हो जाती है, तो सूरज ढलने आते हैं। तो पूरी पहुंचने के बाद पूछते हैं, हम तो पूरी पहुंच गए ना? नहा पहुंच गए ना, ये देखो ये मेरे फ्रेंड का ये है राजमहल है, यहीं पर मेरा फ्रेंड रहता है। अच्छा ये आपके फ्रेंड का घर है ना? हाँ यही फ्रेंड रहता है, इसी में फ्रेंड रहते हैं, ये राजमहल है, और ये देखो कितने बड़े बड़े दीवार हैं, और तो चलो चलते हैं। तो बोलते हैं कि नहीं आज लेट इवनिंग हो गया, और आज जाएंगे अभी उनका सोने का रेस्ट लेने का टाइम हो रहा होगा, और वो बड़े राजा हैं तो हम क्यों उनको डिस्टर्ब करें, हमें देख कर डिस्टर्ब होंगे, कुछ व्यवस्था करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, कल जाते हैं ना, आज रात को यही रुक जाते हैं। तो फिर वो लोग क्या किए, जो अश्वद्वार है ना, अश्वद्वार मैं आपको बताया था, ये अश्वद्वार जो है ना वह साउथ साइड में है, मतलब दक्षिण दिशा में जो द्वार है, उस दक्षिण दिशा के द्वार के पास जो है वो लोग वहाँ पर रह गए।
वो सोचे कि रात रुक जाते हैं, दोनों तीनों बच्चे और पति पत्नी वहाँ सो जाते हैं, सुबह जाकर मिलते हैं फ्रेंड से, ऐसा वो सोचने लगे। मगर बच्चों का भूख जो है, वो भूख से रो रहे थे बच्चे एकदम से, तो क्या करेंगे, ये लोग तो गीला कपड़ा अपने पेट पर डाल दिए थे। तब उन्होंने देखा कि अश्वद्वार के बाजू में एक नाला जा रहा था और ये नाला जगन्नाथ जी के किचन से कनेक्टेड था, जगन्नाथ जी का जो लक्ष्मी जी का किचन है, और जगन्नाथ जी को सबसे ज़्यादा राइस बनता है, तो राइस बनने के बाद जो पेज निकालते हैं वो पेज को नाले में डाल देते हैं, तो वो पेज जो है वो बहता हुआ अश्वद्वार के उधर से बाहर निकलता है और वो पेज वहाँ पर इकट्ठा हुआ था। तो तब उन्होंने देखा कि जगन्नाथ मंदिर से ये पेज आया हुआ है, ब्राह्मण को सब कुछ मालूम था, तो उसने क्या किया, टूटा हुआ मटका लेकर आया, उसमें से उस नाले में से वो पेज लेकर वो अपने दोनों तीनों बच्चों को पिलाया और वो दोनों भी खुद पिए और तो थोड़ा सा पेट को ठंडक मिला तो वो सो गए। तो वो हृदय में प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मैं आपका दर्शन करने के लिए तो आ गया, आप मेरा फ्रेंड है करके मेरे पत्नी को कह लिया, अगर कुछ भूल चूक हो गई तो माफ़ करना, कल हम आपके दर्शन करेंगे, कृपया आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि डालना, इतना दूर से हम आए हैं आपके दर्शन करने। तो ऐसे करके भूखा सो गए। और इधर शयन दिलाया गया पुजारियों के द्वारा भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को, मगर जगन्नाथ जी जो है वो सो नहीं पा रहे थे। दोनों भाई बहन पूछते हैं कि क्या हुआ भैया, आज सो नहीं रहे हैं? तो जगन्नाथ जी कहते हैं कि मैं कैसे सोऊं, मेरा एक मित्र है वो बड़े दूर से आया हुआ है, और कल तो मिल लूँगा उससे, मगर वो खाया नहीं है, तुम दोनों रुको मैं उसको कुछ खिला के आता हूँ। तो दोनों भाई बहन मुस्कुराते हैं, तो जगन्नाथ जी स्वयं क्या करते हैं, एक पंडे का वेश धारण करके और अपने अपने खुद की जो प्लेट है, भगवान जी को जो भोग लगता है पेट, सोने का प्लेट में जो है वो सारे पकवानों को वहाँ रखते हैं, और बड़े से बड़ा प्लेट, एक जगन्नाथ जी का प्लेट कितना होगा सोच लो, फिर वो लेकर उस द्वार के पास खड़े होकर बुलाते हैं कि ए महांती बाबू, महांती बाबू। तो आधी रात हो रही थी, तो दो बार बुलाएंगे, पत्नी उठाती हो, जी देखिए जी कौन बुला रहे हैं आपको, बोलता कि सो जाओ, यहाँ पर आपको कोई नहीं जानता है, केवल मेरे फ्रेंड जानता है, वो बहुत बड़ा राजा है, वो बाहर नहीं आएगा, तुम सो जाओ, किसी और को बुला रहा है कोई। तो फिर वो फिर से बुलाते हैं, अरे ओ जाजपुरिया महंती बाबू। तो पत्नी बोलते अरे जाजपुर से तो हम ही आए हैं, बोले कि उसका आँख खुल गया, हमें कौन जानता है यहाँ पे तो कोई नहीं जानता है। और दौड़कर जाता है ब्राह्मण, तो प्रणाम करता है कि हे ब्राह्मण आप हमें कैसे जानते हैं ना, आपका फ्रेंड जो है ना उसको पता था कि आप आने वाले हो और तो आप भूखे हो और आपका फ्रेंड सो नहीं पा रहे, वो बोले कि आप ये खा लो और कल मिलेंगे आपसे, वो तो देखते ही रह गया, ऐसे कैसे होगा। तो देखते रहा, उसके हाथ में प्लेट थमा दिए, वो प्लेट लेके देख ही रहा है, अंदर चले गए, बोलते बाद में ले लूँगा प्लेट। वो कुछ सोच नहीं पाया, बड़ा अद्भुत से लगा, वो लेकर पत्नी के पास गया और पत्नी और बच्चों को उठाया, चंद्रालोक था और उस चंद्रालोक में बैठकर वो लोग प्रसाद पाए। फिर वो पत्नी को देता है, दिखा मैं तुमको बताया था ना मेरा फ्रेंड, देखो राजा होकर भी जानता है, उसको खबर मिल गया था, उसके बहुत सारे लोग होते हैं खबर रखने वाले, उसको पता लग गया हम लोग आए हैं और हम भूखा सोए थे, देख कैसे प्रसाद भेजा अपने लिए। पत्नी बड़ी खुश हो गई, वाह इतना अच्छा फ्रेंड है, आपने आज तक हमें कभी बताया नहीं था, ऐसे और भी कोई फ्रेंड है क्या आपके? बोलते कि नहीं एक ही है और ये काफ़ी है हमारे लिए। तो प्रसाद भर पेट एकदम से खाए, चार पांच जन सब लोग मिलके बच्चों के साथ बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए, थाली देने के लिए कोई तो मिला नहीं, और थाली को दोदा के अपने सर के नीचे कपड़े से बांध के सर के नीचे लेके सो गए। सुबह हुआ, पुजारी वगैरह मंदिर में गए, भगवान जगन्नाथ जी को जगाए, मंगल आरती हुई, भगवान जी को भोग लगाने के लिए जब भी प्लेट ढूंढते हैं, प्लेट है नहीं, जगन्नाथ जी का प्लेट, सोने का प्लेट जो है गायब है। और ये बात जो है ना बहुत बड़ा इश्यू था, क्योंकि जगन्नाथ जी का सोने का प्लेट गायब हो गया। सारे पुजारी एक दूसरे को पूछे, नाइट रात्रि के समय सेवा किसका था उसको पूछा गया, ये खबर राजा तक गई, राजा तुरंत मीटिंग बुलाए, सैनिकों को भेजे, चारों तरफ सैनिक फैल गए खोजने के लिए, घर घर चोरों को पकड़ने लगे, पुलिस को खबर रहता है कौन चोरी करता रहता है करके, वो सीधा उसके पास पहुँचते हैं है कि नहीं, तो वो लोग खोजने लगे।
तो इस दौरान राजा सारे पंडाओं को इकट्ठा कर चुके थे और सबसे इंक्वायरी कर रहे थे कि ये कैसे गुम हो सकता है, सेवा पूजा आप लोग ठीक से नहीं कर रहे हो वगैरह वगैरह। तब तक किसी का नज़र गया, वो सूरज उग गए थे, इसलिए सूरज की किरणों के वजह से इस बंधु महांती जो है, महांती के सर के नीचे का प्लेट जो है ना चमक रहा था। किसी ने देखा, रहे ये तो चमक रहा है, सोने का ही प्लेट होगा। तब उसको उठा के पूछता है तो सोने का प्लेट है। फिर वो राजा का इन्फॉर्म करता है कि चोर मिल गया, तो सब लोगों ने उसको पकड़ लिए कि यही चोरी किया है करके, और बच्चों को और पत्नी को छोड़ के उसको बंदी बना कर लेकर चले गए। कुछ लोग तो उनको मारे भी हैं, राजा के पास लाए। राजा बड़ा कंफ्यूज हुआ कि अंदर गया कैसे, कैसे इतना हिम्मत कर पाया। जो भी हो, इसने चोरी किया है। उसने बोला कि नहीं, मैंने चोरी नहीं किया हूँ, मुझे एक ब्राह्मण देवता उन्होंने दिए मुझे। बोला कि कौन है ना, पता नहीं, मोटे रोटे पंडे से पंडा था, उन्होंने दिया। तो फिर बोले कि ठीक है, जितने सेवा करने वाले पंडे हैं सबको खड़ा कर दिया गया, और उसको बोले कि चुनो, देखो कौन दिया था तुमको। तो सारे पंडों को उन्होंने देखा कि कोई था नहीं उसमें से। बोला कि इसमें से कोई नहीं थे, तो इसमें से कोई नहीं थे, तो फिर राजा बोला तुम चोर हैं, तो उनको बंदी बना दिए। इधर पत्नी रो रही है कि कैसे बंधु हैं, रात को खिलाता है, सुबह जेल में डाल देता है करके। और उधर वो भी प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु ये कौन सी लीला है, ये कौन सा कर्म मैंने किया था जिसके वजह से राजा के हाथ में मुझे, हाथ से मुझे दंड प्राप्त हो रहा है, और आपका क्या नाम रह जाएगा प्रभु, मैं तो आपके बंधु के रूप में, आपके फ्रेंड के रूप में, आपके फ्रेंड के रूप में यहाँ पर आया हूँ, और मुझे यहाँ पर जेल में डाला गया। रात्रि हुई, पत्नी बच्चे बाहर रो रहे हैं एकदम सनाथ होकर। इधर राजा वगैरह सब जय श्री राधा गोविंद जी की जय, सभी लोग विश्राम कर रहे थे। तो वहाँ उस समय जो है राजा को सपने में जगन्नाथ जी आके कहते हैं कि हे गजपति महाराज, आप बहुत अच्छा शासन भार संभाल रहे हैं, मैं खुश हूँ आपके शासन भार संभालने से। ये मंदिर जो मंदिर है वो किसका है, नाम ना प्रभु आपका है। राजा रिप्लाई दे रहा आपका है। तो फिर मंदिर के अंदर जो भी प्रसाद बनता है, गोडाउन है सारा, वो सब किसका है, ना प्रभु ये कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ये आपका ही है। तो फिर सोना हो, थाली हो, ये सब किसका है, ना आपका ही है। तो अगर मेरा ही है, मेरा थाली है, मेरा प्रसाद है, और मैं अगर मेरा फ्रेंड को दिया, तेरा बाप का क्या जाता है, उसको लेके जेल में डाल दिया यार। राजा कंफ्यूज हो गया, बोलता प्रभु समझ नहीं पाया। बोलते जिसको तुमने बंदी बना के डाला जेल में, वो मेरा मित्र है, वो जाजपुर से आया है मुझे मिलने के लिए, वो रात को भूखा सोया हुआ था, इसलिए मैं स्वयं उसको मेरे थाली से प्रसाद खिलाया, मेरा प्रसाद दिया, और आप सोचे बिचारे बिना उनको डाल दिए। राजा बड़ा दुखी हो गया। सुबह होते ही सबसे पहले वो बंदी को स्वयं खुद जाके उनको बंदी गृह से बाहर निकाल कर उसको दंडवत प्रणाम किए कि स्वयं भगवान जगन्नाथ आपके लिए प्रसाद रखे हुए थे और हम आपको पहचान नहीं पाए। तो उन्होंने एकदम से दंडवत प्रणाम किए, उनको लाके बहुत अच्छी तरीके से उनको स्नान इत्यादि करवाए, अच्छे वस्त्र पहनाए। बोले कि मेरे बच्चे और पत्नी बाहर रो रहे होंगे। तो फिर उनके बच्चे और पत्नी को लाया गया, उन सभी लोगों को बहुत राजसी ठाणी से उनकी सेवा शुश्रूषा किया गया, जगन्नाथ जी के प्रसाद दिया गया, और उसके बाद से जगन्नाथ जी के मंदिर के पास में ही उनका घर भी रखा गया, और वहीं पर उनको रहने की व्यवस्था, और प्रतिदिन बंधु महांती के लिए प्रसाद की व्यवस्था किया गया। फिर वो लोग जाजपुर वापस गए नहीं थे, वहीं जगन्नाथ जी की सेवा पूजा करके वहाँ पर रह गए थे। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ क्या करते हैं, अपने भक्तों को प्रति बहुत ही दयालु रहते हैं, वो सबके मित्र हैं, सबके बंधु हैं, पतितों को उद्धार करने में वो एकदम से राजा है, इसलिए पतित पावन झंडा जो है वो उड़ाते हैं, ऐसे भगवान हैं। ठीक उसी प्रकार से एक और घटना हुई थी सदियों पहले, बंगाल और उड़ीसा जो है, बंगाल से कई सारे लोग भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए एक बार आते हैं साल में, और दो दो तीन तीन महीना जगन्नाथपुरी में रुकते हैं। और ये घटना हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत से भी सुनते हैं, है ना। तो बारिश इत्यादि के समय पर जो खेती में जो भी अनाज वगैरह उगाते हैं, उस टाइम पे वो गांव में रहते हैं बंगाल के भक्त लोग, और बाकी समय पर इधर आ जाते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने और विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु से मिलने। तो ये कभी सदियों पहले की घटना है, बंगाल में भी जगन्नाथ जी के बहुत भक्त होते हैं। एक परिवार था, बड़े धनाढ्य परिवार, बड़े धनी हैं एक्चुअली वो परिवार, और इतना धनी है कि ऐसे माना जाता है कि उस एरिया के कुबेर माना जाता है उनको ऐसा। उनका नाम था कृष्ण महापात्र, और उनकी पत्नी का नाम था कमला,
और उनका एक बेटा होता है और उस बेटे का नाम होता है रघुनाथ। कृष्ण महापात्र और कमला का एक बेटा होता है रघुनाथ। बड़े ऐसे कहा जाता है कि सोने की चम्मच मुंह में लेके जन्म हुआ हो। इसका क्या मतलब है? मतलब इतना धनी है कि जन्म से ही सोने की चम्मच से खिलाएंगे वो बच्चे को, ऐसा इसका तात्पर्य। तो ये रघुनाथ जो है वो धीरे धीरे बड़ा होता गया और माता पिता के, उनके पिता जो है ना बहुत बड़े दानी थे, बहुत बड़े दानी, और जिसको भी जो चाहे दान देते थे, और उसी प्रकार से उनके पास संपत्ति भी था और दान भी देते थे। तो बेटा भी उसी प्रकार से जिया है और स्वाभाविक ही बचपन से साधु संतों से मिलना, भक्तों से भगवान जगन्नाथ जी के बारे में सुनना, जगन्नाथपुरी से जो आते थे सुन के जगन्नाथ जी के प्रति उनके अंदर जो है तीव्र श्रद्धा भक्ति जो है वो जागृत हुआ था। और वो उनके पिताजी जो कृष्ण महापात्र है वो इतना दान दिए फिर बाद में धीरे धीरे से ऐसे समय आया कि वो सारा संपत्ति उनका खत्म हो गया, वो एकदम बहुत गरीब हो गए। और गरीबी नहीं, वो कर्जा करके भी दान देने लगे तो कर्जे में भी डूब गए। कर्जे में डूब जाने के बाद से वो चिंता हो गया उनको कि मेरा बच्चा आगे कैसे ही होगा। और ये होने से पहले जब भी वो धनी थे उसी समय बेटे को 16 साल हो चुका था तो बेटे का शादी करवा दिया गया था। एक और बड़े से धनी परिवार था गंगाधर करके, उनके एक ही बेटी थी, उनका नाम था अन्नपूर्णा, और सात लड़के और एक बेटी अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा बड़ी सुंदर सुशील और बड़े पवित्र लड़की थी और उसके साथ जो है ये रघुनाथ जी का शादी कर दिया गया था। मगर शादी करने के बाद भी वो कुछ दिन जो ना अपने मायके चली गई थी और इधर इस टाइम पे इनके पिताजी का देहांत हो गया। किसके? रघुनाथ के पिताजी देहांत, कृष्ण महापात्र वो देहांत हो गया। देहांत होने के बाद उस समय सती प्रथा में ऐसा होता है कि जब भी पति मर जाता है उसके चिता में पत्नी अपने आप से जाके उसके आग में वो भी कूद जाती है, वो भी मर जाती है, ऐसा सती प्रथा। वो बाद में कुछ लोगों ने जबरदस्ती करने लगे थे स्त्रियों को मरने के लिए, इसलिए उसको बैन किया गया। मगर सती प्रथा में वो पत्नी जो होती है वो इतना डेडिकेटेड रहती है अपने हस्बैंड के प्रति, जब ये हस्बैंड का चिता जलाते हैं उस समय पर स्वयं से वो दौड़ते जाकर वो पति को छोड़कर रह नहीं सकती हूँ करके वो विधवा के रूप में उसमें चली जाती, उसको सती प्रथा कहते हैं। तो ये कृष्ण महापात्र की पत्नी जो है वो सती हो गई, वो उसमें उसके पति के साथ वो भी मर गई अपने आप से। अभी रघु अकेला पड़ गया, पत्नी से शादी तो किया था, अन्नपूर्णा से शादी किया था, बड़े सुंदर सुशील लड़की है, मगर अन्नपूर्णा अभी मायके से यहाँ आई नहीं थी, ससुराल में आई नहीं थी, और इस बीच में ये सब हुआ। और बहुत सारे कर्जदार थे, कर्जा लिया हुआ जो लोग थे, कर्जे दिए हुए, उन लोगों ने रघुनाथ को पकड़े कि हमारा कर्जा, रघुनाथ क्या क्या सारे संपत्ति उनको बांट दिया। अभी रघुनाथ जो है बड़ा बहुत गरीब हो गया, रोड पर आ गया, वो सोचा ऐसा अभी उसके पास कुछ नहीं है। उसने सोचा कि मेरे माता चले गए, पिताजी मर गए और मेरा संपत्ति भी चला गया, मैं अकेला यहाँ पर रह के क्या करूँगा, और मैं तो अरक्षित हो गया। अरक्षित का अर्थ होता है जिसका कोई रक्षा करने वाला नहीं। तो सोचा कि मेरे लिए एक ही रास्ता है, एक ही जगह है, जो भी अरक्षित होता है उसको रक्षा करने के लिए प्रभु जगन्नाथ होते हैं, तो मुझे जगन्नाथ जी के शरण में चला जाना चाहिए। वो अपने पत्नी के बारे में याद नहीं किया, वो सीधा गांव से निकल के लोगों के साथ मिलके जगन्नाथपुरी चला गया और भगवान जगन्नाथ जी के जाकर प्रणाम किया और बोला कि प्रभु मेरे माता पिता चले गए और मेरे सारा संपत्ति चला गया और मेरे पास कुछ और नहीं है और कुछ और सोचने के लिए भी नहीं है, मैं आरक्षित हूँ, मगर आज से आप मेरा रक्षक हैं और मैं रघु आरक्षित के नाम पे आपकी सेवा में मैं यहीं पर पूरी में रहूँगा और आपका दर्शन, आपका प्रसाद थोड़ा मिल जाए उतना कृपा करो। और तब से मेन गेट के पास जो है वो रहता था, कोई कुछ देंगे उसको खाने के लिए या भिक्षा, वो खा के, कितना बड़ा धनी घर का लड़का, अभी देखो मेन गेट पे वो भिक्षा मांग के कहीं और उसमें जी जाता था, डेली दर्शन करता था, महाप्रसाद मिल जाता था, बस खुशी जीवन जो है खुश। धीरे धीरे से जो उसके कपड़े वपड़े फट गए, दाढ़ी वाड़ी बड़े हो गए, बड़ा भिखारी जैसा हो गया, सब लोग जानने लगा, रे नया आदमी कौन आया है, ना बंगाली बाबा है, बंगाली है ये, रघु आरक्षित है। तो रघु आरक्षित के रूप में वो फेमस हो गया, बड़ा भक्त हैं। कुछ दिन बीतने के बाद ये जो गंगाधर जो अन्नपूर्णा के पिता है वो बड़ा धनी था, वो भी बड़ा धनी था, तो उसको खबर मिली कुछ लोगों से कि साहब जी आपके जो दामाद हैं वो तो जगन्नाथपुरी में भिखारी बन गया,
वो भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करता है, दाढ़ी बाड़ी बड़ा हो गया, फटा हुआ पहना है, पागल हो गया मुझे लगता है, उसका बाप मर गया तो पागल हो गया, तो आपका दामाद पागल हो गया, उसको थोड़ा बुरा लगा, मतलब बड़े लोगों का रहता ना इज्जत का सवाल, तो अरे मेरा दामाद पागल है, मेरे पत्नी को उसको अभी कैसे, मेरे बेटी को उसके पास कैसे भेजेंगे अभी। तो वो अपने सात बेटों के साथ उन लोगों ने प्लानिंग किया, माता मतलब सासू ससुर उसके रघुनाथ के और सात भाई प्लान करके बोले कि इतना सुंदर लड़की एकदम देवकन्या के जैसा, उसको अभी वो भिखारी के साथ नहीं देंगे, जो गया भिखारी बन गया छोड़ो, इसके नसीब में था, अभी इसको शादी करवा देते। अभी एक और धनी परिवार के लड़के को उसको देखें बासु महापात्र करके, उसके लड़के के साथ इसके एंगेजमेंट फिर से कर दिए, किसका, अन्नपूर्णा का। अन्नपूर्णा की बात पता लगा, अन्नपूर्णा रोने लगी, वो तो पतिव्रता स्त्री थी, वो तो आशा की थी कि आज नहीं तो कल मेरे पति वापस आएंगे, मगर ये मेरे माता पिता तो दूसरा शादी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो बड़ी डर गई, रोने लगी, वो प्रार्थना करने लगी, अगर मेरे पति सच में प्रभु आपकी शरण में हैं जगन्नाथ जी के, तो फिर मैं कैसे, मेरे पति अभी हैं ना, मेरे पति जीवित हैं और मेरा विवाह हो चुका है, तो मैं कैसे दूसरे व्यक्ति से फिर से विवाह कर सकती हूँ, ये कैसे संभव हो सकता है, उससे उससे तो बेस्ट यही तय होगा कि मैं शरीर छोड़ दूँ। ये सोचकर उन्होंने चिट्ठी लिखा अपने पति को कि हे प्रभु, मेरे माता पिता और भाइयों ने मिलकर मुझे किसी और एक लड़के के साथ शादी करने के लिए प्लानिंग किए हुए हैं, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा शादी किसी और जगह हो, क्योंकि आप अभी भी जीवित हैं और मैं एक साध्वी पतिव्रता स्त्री के रूप में मैं आपको प्रार्थना करती हूँ कि कृपया जो है आप मेरे शादी से पहले आए। वो शादी का लग्न वगैरह सब तिथि जो है वो सब जो है बन चुका था, तिथि सो तय हो चुका था, फाल्गुन महीने में कौन सी एक तिथि में उनका शादी जो है वो तैयार, ये रेडी, ये हो गया था, फाइनल हो चुका था। तो उसने सारे डेट्स वगैरह लिखी थी, वो सारे डेट्स वगैरह लिख के वो एक लेटर बनाई कि किसको दूँ, वो रोज़ इंक्वायरी करती थी कि कौन जाएंगे जगन्नाथपुरी, कौन जाएंगे। तब तक एक व्यक्ति जगन्नाथपुरी जाता हुआ उनको दिखे तो सीक्रेटली अलग से किसी को बताए बिना उनसे मिलती हैं और उनको बहुत हाथ पैर जोड़ के रिक्वेस्ट करती है कि मेरा पति हैं रघुनाथ, वो जगन्नाथपुरी में हैं और वो वहाँ पर भिखारी बन गए हैं, मगर वो जीवित हैं, मुझे नहीं लगता वो पागल होंगे, और मेरा ये चिट्ठी है, आप कृपया उनको दे दो ना, नहीं तो मेरे माता पिता दूसरा शादी करा देंगे। तो ये कहने के बाद क्या हुआ, ये कहने के वजह से वो व्यक्ति उनका चिट्ठी लेकर जाता है, इस अन्नपूर्णा का चिट्ठी को लेकर जाता है। अन्नपूर्णा की चिट्ठी को लेकर जाके वो खोजता है दर्शन करने के बाद पूरी जगन्नाथपुरी में कि रघुनाथ कहाँ है, रघुनाथ कहाँ है, मगर कोई नहीं जानते रघुनाथ कौन है, क्योंकि वहाँ पर तो रघु आरक्षित के नाम पे सब लोग जानते ना, भिखारी हो। वो कहता कि बड़ा धनी परिवार का आया हुआ है रघुनाथ, और कोई नहीं जानते, और कैसे भी करके एक दिन क्या हुआ, वो मेन गेट के पास ये भिखारी मिला, तो बड़ा ध्यान से जब उसको देखा, बातचीत किया, तब पता लगा ये तो हमारा गाँव का रघु है, मतलब हमारा गाँव का दामाद है ये तो। तो उसको बोलता है, अरे आप यहाँ पर, मैं कब से ढूँढ रहा हूँ, आपकी पत्नी चिट्ठी दी है, तो उनके हाथ में देता है। तो रघु चिट्ठी पढ़ता है तो उसमें पत्नी लिखी हुई है कि प्रभु अगर आप आकर मुझे लेकर नहीं जाते हैं तो ये लोग किसी और से शादी करवा देंगे, और मैं आपको वचन देती हूँ कि मेरे ये शरीर होते आप ये इसी शरीर से दूसरे से शादी तो नहीं कर सकती, अगर आप मुझे नहीं ले जाएंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, यही मेरा अंतिम ये निष्कर्ष है, मतलब स्टेटमेंट है, ऐसे करके वो भेज देती है, और उसमें डेट लिखा हुआ रहता है। जब इसको चिट्ठी मिलता है तब तक वो देखता है कि 10 दिन बचा हुआ है शादी के लिए, अभी जगन्नाथपुरी से बंगाल जाना है, और उसको नहीं तो 15-20 दिन लग जाते हैं खाली जाने के लिए, पहुंचने के लिए चलते चलते, अब क्या करेंगे। और रोने लगा बेचारा, और चिट्ठी को हाथ में लेके सोचते सोचते, पत्नी मर जाएगी, दुखी है पत्नी, उसमें लिखी है कि मैं आपका आप ही जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि मैं आपके अलावा और किसी और को सोच नहीं सकती हूँ। तो जगन्नाथ से तीव्र प्रार्थना किया कि प्रभु किस प्रकार की परिस्थिति में आप डालें, अभी तक तो मैं बहुत अच्छा आपकी भक्ति में लगा हुआ था, मगर मैं सच में भूल गया था कि मेरा पत्नी भी है, मगर मेरा कर्तव्य बनता है कि मेरे पत्नी की रक्षा करना, और मेरे पत्नी भी है तो बड़ी पतिव्रता है, देखिए वो ऐसा लिखी हुई है कि मेरे बिना वो मर जाएगी, और दूसरा शादी करवा रहे हैं, ये तो अधर्म है कि मेरे होते हुए दूसरे शादी करवा दे उसको, तो प्रभु आप कृपया इस प्रकार की विपत्ति से मुझे रक्षा करिए। ऐसे सोचते सोचते वो सिम्मद्वार के पास ही मेन गेट के पास वो सो गए थे।
भगवान जगन्नाथ जी जो है वो सो गए थे, जगन्नाथ जी उनके प्रार्थना स्वीकार किए। जब भी वो सुबह आँख खोलते हैं देखते हैं मेन गेट मतलब मंदिर के मेन एंट्रेंस पर नहीं थे वो, बोलते कि अरे मैं तो जगन्नाथ जी के मेन एंट्रेंस पर सोया था, ये कौन से जगह पे आ गया, तो कोई गांव है। अभी सुबह हो गया देखा कि कोई बहुत बड़ा सा महल भी है, अरे किसी के महल के सामने सोया हूँ, ये तो मंदिर नहीं है। तो किसी को पूछते हैं कि भाई मैं कहाँ हूँ, ये कौन से जगह है, तो व्यक्ति बोलते है कि अरे तुमको पता नहीं ये तो कलावतीपुर है बंगाल का। कलावतीपुर मतलब ये तो ससुर गांव है, तो ससुर जी का गांव है। तो बोलते कि घर ना घर जो है तो गंगाधर जी का है। बोलता कि वो मतलब ससुर जी के घर के सामने में आ गया हूँ, मतलब रात को सोया पूरी में सुबह उठा ससुराल में। वो समझ गए ये प्रभु जगन्नाथ जी की कृपा है, क्योंकि मैं उनको प्रार्थना करके सोता। तब तक उनके घर पे कोई दरवाजा खोला उनका कोई साला, तो उसने देखा कि भिखारी कोई बैठा है, उससे बात किया तो पता लगा कि तो भिखारी नहीं मेरा जीजाजी हैं। तो जीजाजी को उसने घर पे जाकर बताया, सब लोग भाग के आए, बोले कि पहले अंदर चलो क्योंकि कैसे भिखारी जैसा दिख रहे हैं, और सब लोग गांव वाले देखेंगे कि अरे भिखारी आया है, इनका दामाद भिखारी आया है, तो उनका क्या इज्जत रह जाएगा। तो इसलिए उनको तुरंत अंदर लेकर गए। बाहर से दिखा रहे थे कि हम बहुत खुश हैं कि आप अभी वापस आ गए हैं, मगर अंदर से सब लोग जल रहे थे कि क्यों आया, क्योंकि इनके पास कुछ था नहीं ना, पूरा गरीब हो गया था, भिखारी हो गया था वो। तो उसको तो सेविंग वेविंग करवाए, स्नान वान करा के कपड़ा खिलाए, बोले कि हम बहुत खुश हैं बता रहे हैं, मगर अंदर ये लोग प्लान किए कि इसको कैसे मार दिया जाए, इसको मार देंगे तभी जाके हमारे बेटी से शादी जो है दूसरे से करवा सकते हैं। तो उन्होंने एक फेस्टिवल जैसा, बोले कि आप आए तो हमारे घर में बहुत बड़ा उत्सव मनाएंगे, बहुत सारे पकवान बनाएंगे। तो उन्होंने बहुत सारे पकवान बनाए, बहुत सारे केक्स बनाए, और जहर जो है वो केक्स में सब में डाल दिए, एक बार खाते ही बाइट खाते ही वो व्यक्ति मर जाएगा ऐसा। और ये बात अन्नपूर्णा को पता लग गया। अन्नपूर्णा जो उसने किसी भी हाल में अपने पति को बचाने के लिए प्रयास की, उसने एक छोटे से तार के पत्ते में उसमें लिख दी कि केक मत खाना इसमें जहर है, लिख के वो एक केक के अंदर रखी, जगन्नाथ से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे पति को बचा लो, और नहीं तो अगर मेरे पति अगर शरीर छोड़ देंगे तो मैं भी उनके साथ शरीर छोड़ दूंगा। फिर वो कहने लगी, इतना दिन आपकी सेवा की, आपके धाम में रुके, आपके दर्शन किए, कि अंत में यही दिन देखने के लिए करके वो तीव्रता से जगन्नाथ से प्रे करने लगी, और वो चाहती थी कि जो केक में वो रखी हुई थी लेटर पहले मिल जाए उनको। सचमुच वो जो भी उनको खाने के लिए मिला, उसको तो आदत था प्रसाद खाने का, डायरेक्टली खा नहीं सकता है, वो उधर बैठे बैठे आचमन करके सब करके वो भगवान जगन्नाथ जी को प्रार्थना किया कि प्रभु कृपया ये भोग आपका स्वीकार करें ताकि आपका प्रसाद मैं पा सकता हूँ। तो सारे चीज़ों को सबको तुलसी पत्ता पत्नी को मांग के सब में तुलसी डाल के भगवान जी का ऑफर किया, और ऑफर करने के बाद वो जैसे ही केक उठाया खाने के लिए, और केक का एक बाइट खाने के लिए जब भी उसको तोड़ा ले रहा था, देखो उसमें चिट्ठी मिली, तो चिट्ठी में देखा तो इसमें जहर लिखा हुआ है, जहर है खाना मत। तो बड़ा टेंशन में आ गया कि मैं कितना बड़ा अपराधी हूँ कि मैं जहर भगवान जी को खिला दिया, मैं बड़ा अपराध कर दिया। इस अपराध का एक ही परिणाम है, एक ही उपाय है कि मैं इसको खाऊं, क्योंकि अब ये प्रसाद हो चुका है, भगवान इसको खाए हैं इस जहर को, और मैंने जहर भगवान जी को खिला दिया, और मैं इसको कैसे ये कर सकता हूं, तो मैं इसको खा जाऊंगा। तो ऊंचे कोटि के भक्त होते हैं वो इस चीज़ को बहुत कंसर्न रहते हैं भगवान के प्रसाद के प्रति बहुत, विशेष रूप से जो भगवान को अपर किया हुआ प्रसाद राजभोग होता है उसमें नमक नहीं होता है मान लो कभी, और ठंडा हो जाता है तो भक्त फिर उसमें अलग से नमक डालना भी और उसको गर्म करना ऐसे चीज़ों को करते नहीं, क्योंकि प्रभु उसी प्रकार से पाए हैं तो हम वैसे ही उसको स्वीकार करेंगे, ये भाव रहता है। मुझे याद है आज भी एक बार मेरे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज सूरत आए थे, तो हम सूरत में उनकी सेवा में थे, शाम को 4:30 बज गया था उनको प्रसाद देते समय, क्योंकि लेट हो चुके थे। तो प्रसाद जब भी उनको दिया गया तो अभी उन्होंने एक बाइट लिए और गर्मा गर्म सुंदर प्रसाद था, बाइट लेने के बाद बोले कि ये राजभोग प्रसादम है ना, उन्होंने तुरंत पूछा, तो वो बोले कि हाँ राजभोग प्रसादम है महाराज, आपके लिए रखे थे हमने। महाराज का चेहरा उतर गया एकदम, फिर उन्होंने एकदम गंभीर स्वर में बोलने लगे, आप इसको गर्म क्यों किए, ये राजभोग प्रसादम है, एक बार भगवान का ऑफर होने के बाद गर्म क्यों किए उसको।
बस इतना ही बोले, इतना एकदम, मैं वहां पर खड़ा था, आप इसको गर्म क्यों किए, ये तो राजभोग प्रसादम है, ऐसे करके फिर और कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो ये भी देखते सामने वाला भक्त है, और प्रेसिडेंट की वाइफ थी, फिर बहुत सारा चीज़ें था। मग महाराज एकदम से बड़ा ये हो गए थे, खिन्न हो गए थे कि जब भगवान के प्रसाद को इस प्रकार से फिर से ये नहीं करना चाहिए करके, मैं इस चीज़ को देखा था स्वयं। तो ये जगन्नाथ जी को ऑफर कर लिया था उसने, तो सोचा कि अभी मैंने जहर भगवान को खिला दिया तो इसका एक ही शास्ति है कि मैं इसको खाऊंगा। तो वो भगवान जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते, जगन्नाथ जी का नाम लेते लेते वो खाने लगा। तो जैसे ही एक दो केक खाया तब तक ही उसको वो मुंह से जाग वगैरह निकल के वहीं गिर के मर गया, उसी प्लेट के सामने मर गया। पत्नी देख के जो है वो फूट फूट के रोने लगी, सर पीट पीट के। सब लोग बड़े खुश हो गए, खुश होके बोलते कि इसको एक कमरे में रख दो और लॉक कर दो कमरे को, और जैसे रात हो जाएगा इसको दूर लेके जला देंगे, और एकदम से जला के राख कर देंगे, सबको बोलेंगे हमारे दामाद आए थे मगर रात को सांप काट लिया और मर गया करके बोल देंगे, और जहर हो गया था फिर हम उसको जला दिया ऐसा करके। तो कमरे में रख के बंद कर दिए। पत्नी इधर जो है जगन्नाथ जी को प्रार्थना करके वो बैठ गई ध्यान में कि प्रभु मेरे प्रभु अगर सुबह तक जो है रक्षा नहीं करते हैं आप तो मैं भी पति के साथ मर जाऊंगी, वैसे वो भी बैठ गई। तभी भगवान जगन्नाथ इस चीज़ को सह नहीं पाए, रात्रि के समय भगवान स्वयं जगन्नाथ आकर रघुनाथ है वो रघुनाथ को अपने गोद में बिठाकर बोलते हैं कि उठ जाओ रघुनाथ करके। तो रघुनाथ जब भी उठकर देखता है कि जगन्नाथ वहाँ है नहीं, और रोने लगता है कि प्रभु आप आए थे और मुझे स्पर्श किया आपने, मुझे आपका स्पर्श का अनुभूति हुई और अभी आप कहाँ चले गए करके रोने लगा। फिर वो स्ना जो है वो तिलक वलक लगा के फिर अपना जप माला लेकर बैठकर भगवान नाम का जप करने लगा। ये लोग सुबह रात्रि जब भी मध्य रात्रि एकदम से होने लगा, ये लोग दरवाज़ा खोले उसको लेके जलाएंगे करके, तो जब भी दरवाज़ा खोल के देखते वो बैठ के जप रहा है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम, भगवान नाम का जप कर रहा है। ये तो डर गए एकदम आश्चर्य को लेकर, ये कैसे अद्भुत हो चुकी, अद्भुत सा घटना हो गया, ये तो जहर खाया था इतना हलाल, ये तो मर गया था, और हमने खुद देखा था कि उसका नाड़ी वगैरह चेक किए थे, पूरा मरा हुआ व्यक्ति था, वो तो पूरा जिंदा होकर बैठ के जप रहा है। उन लोग को तो पहले डाउट हुआ वही है कि उसका भूत है, चेक किए कि नहीं वही है क्योंकि डेड बॉडी नहीं है। तो फिर सब लोग बोले कि ये साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, ये कोई तो महान व्यक्ति है। सब लोगों ने सास ससुर सारे भाई दंडवत प्रणाम करके क्षमा मांगे, पत्नी खुश हो गई और क्षमा मांग के बोले। फिर रघुनाथ कहता है कि आप लोग ऐसा मुझे बेइज्जती मत करो, आप सासू ससुर है मेरे माता पिता के जैसा है, ये तो मेरा कर्म में था, शायद मैंने पिछले जन्म में किसी को जहर खिलाया था इसलिए इस बार मुझे खाना पड़ा, मगर मेरे प्रभु जगन्नाथ जी की कृपा है कि वो मुझे बचा लिए, जहर से मुक्त कर दिए, इसमें आपका कोई दोष नहीं है करके। देखो क्या भाव है उन लोग का, हम होते तो नहीं छोड़ते हैं, जहर खिलाया था तेरी तो देख लूँगा तुम साले लोगों को, तो मगर वो बोलता है कि नहीं नहीं मेरा कर्म में है, मैंने कभी किसी को कुछ किया था इसलिए मुझे आपके द्वारा ऐसा मिला है, तो परंतु कोई बात नहीं आपकी जो भी इच्छा है, मैं अभी के अभी निकलूंगा जगन्नाथपुरी, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। अगर आप लोग सच में धर्म के साथ चाहते हैं तो मेरे पत्नी को आप मुझे दे सकते हैं, नहीं भी देना चाहते हैं आपकी जो इच्छा है वो करिए, बट मैं अभी निकलूँगा करके निकले। फिर उन लोगों ने बेटी से पूछते हैं कि बेटी, तो बेटी कहती है कि मैं तो मेरे प्रभु के साथ जाऊँगी। तो इस बात को सुन के फिर बेटी को सजाते हैं, बहुत सारे धन देते हैं, फिर सब ये सब सजा के उनको सब अच्छा सा घोड़ा वगैरह बना के रथ वगैरह उसको उसमें बिठा के विदा करते हैं, और बड़े खुशी खुशी अन्नपूर्णा और ये रघुनाथ निकल जाए जगन्नाथपुरी के लिए। तब तक खबर भेज दिया जाता है किसके पास, और जो दूसरा था ना शादी करने वाला है ना, उसको खबर भेजते हैं कि भाई क्षमा करना कि हमारी बेटी जो है हम आपको दे नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे जो दामाद है वो आ गए हैं, असलियत में हमने प्रयास किया था कि आपको विवाह करवाने के लिए उसको कुछ ये करने के लिए, बट नहीं हो पाया, और वो लोग अभी खुशी खुशी जा रहे हैं जगन्नाथपुरी, अब रास्ते में होंगे। ये कभी एक
खबर वाहक जो है वो जाकर बताया, तो वो व्यक्ति जो है जो शादी करने आया था बासु महापात्र का लड़का, उसका दिमाग खराब हो गया क्योंकि अन्नपूर्णा को देख के बहुत लोभी लोभ किया था कि इतना सुंदर पत्नी मिलेगी। तो ये सोचकर बासु महापात्र का लड़का एक गैंग भेजा, सैनिकों का एक टोली को भेजा, ये जो रघुनाथ और उसकी पत्नी अन्नपूर्णा को अटैक करके रघुनाथ को मार के अन्नपूर्णा को वापस लाने के लिए। तो ये लोग जगन्नाथपुरी के रोड रास्ते में जा रहे थे, कई सारे सैनिक जो है ना पीछा करने लगे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, रुक जा हमारे सर के वाइफ को ले जा रहा है, ऐसा करके कुछ तो बोल रहे कुछ तो बोल रहे होंगे। तो अन्नपूर्णा डर गई और वो कहने लगी, प्रभु अब क्या होगा, ये लोग तो हमको पीछे कर रहे, मतलब ये शायद जो लड़का शादी करने वाला तो उनके लोग हैं और आपको मार के मुझे ले जाएंगे, तो अब क्या करेंगे करके रोने लगी कि मैं नहीं रह सकती, मैं तो मर ही जाऊंगी सीधा। रघु बोले, जगन्नाथपुरी से तुम्हारे घर तक आने के लिए 20 दिन से 25 दिन लगने वाला था, मगर मैं एक रात में पहुंच गया। तुम्हारा परिवार ने मुझे जहर खिलाया और जहर से भी मुझे प्रभु बचा लिए, तो फिर क्या ये सैनिकों से नहीं बचाएंगे मेरे प्रभु? बस एक ही काम करो, जगन्नाथ जी का नाम लो, बाकी देखेंगे जो होगा। तो दोनों अपने रास्ते में जा रहे हैं मगर जगन्नाथ जी का नाम ले रहे। तो ऐसे मगर अंदर तो डर था, तो अचानक उन्होंने देखे दो हट्टे कट्टे सैनिक जो है उनके पास आते हैं अचानक, और अचानक आके कहते हैं कि तुम दोनों कौन हो? तो फिर वो बोलता है कि मैं रघुनाथ और ये मेरी पत्नी अन्नपूर्णा। कहाँ जा रहे हो? ना हम जगन्नाथपुरी जाएंगे। तो ये पीछे जो आ रहे हैं वो लोग कौन है? ना हमें पता नहीं, हमें मारने के लिए वो लोग पछाड़ रहे हैं। अच्छा, क्यों मारना चाहते हैं? तो ये सब बताया अपना वो दोनों सैनिकों को, और सैनिक लोग बोलते हैं कि ठीक है तुम लोग टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ में रहेंगे और हम पहुँचा देंगे तुमको उधर, वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम लोग टेंशन मत लो। दोनों बाजू दोनों सैनिक जो है चलने लगे घोड़े में, एक काले घोड़े में सफ़ेद व्यक्ति बैठा हुआ था, एक सफ़ेद घोड़े में काला व्यक्ति, ये उनका स्टाइल है दोनों भाइयों का, ऐसे जाते हैं वो लोग। तो ये दोनों सैनिक चलने लगे और बातें कर रहे हैं उन दोनों पति पत्नी से, दोनों पति पत्नी भी उनसे बातें कर रहे हैं। और अभी ये दोनों सैनिक जैसे आए, ये जो पति पत्नी के हृदय में जो भय नामक जो वस्तु है, ऐसे रघु के पास तो था ही नहीं, मगर अन्नपूर्णा जो थोड़ा बहुत डर रही थी वो कहाँ चला गया पता ही नहीं चला, बड़ा निश्चिंत हो गए दोनों। उधर जब पीछे जो सैनिक आ रहे थे उन लोगों ने दूर से देखा, अरे बाप रे बाप, ये दोनों और पत्नी पत्नी के चारों तरफ जो है चतुर्भुज वाले नारायण बहुत सारे घूम रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो जितना नजदीक आ रहे उतने ज्यादा वो नारायण दिख रहे हैं उनको, चतुर्भुज वाले जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको, ऐसा करके वो डर गए, बोले कि यार हम किसके पीछे जा रहे हैं, बोले कि जाएंगे तो मरेंगे भाई, निकलो यहाँ से। तो उन लोगों ने वापस जाके बोलते कि अरे सर कहाँ किसके पीछे भेज दिया है, उनको स्वयं नारायण जो है उनकी रक्षा कर रहे हैं, और एक नारायण नहीं कई सारे नारायण थे उनके पीछे, उनके चारों तरफ एकदम से, और बीचों बीच ये दोनों थे। वो लड़का भी कन्फ्यूज हो गया, और फिर जब भी बंगाल क्रॉस कर गए मतलब उड़ीसा में प्रवेश करके दूसरे राज्य में, तभी वो दोनों सैनिक बोलते हैं कि ओके बाय, हम लोग जाते हैं, अभी तुम लोग अभी दूसरे राज्य में आ गए, तुमको अभी किसी भी प्रकार का भय नहीं है, और तुम लोग अच्छे से पूरी पहुंच जाओ और हम लोग जाते हैं दोनों भाई। फिर दोनों भाई हंसते हंसते दोनों वहां से चले जाते हैं, इन्हें पता भी नहीं चला कि दोनों कौन है करके। तो फिर रास्ते में जब बात करने लगे ये दोनों का परिचय के लिए, तभी रघु सोचने लगा कि ये भगवान ही हो सकते हैं, नहीं तो ये दोनों कौन ऐसे आके हमको बचाए करके। फिर वो जगन्नाथपुरी जाते हैं, जगन्नाथपुरी में जाकर रहने लगते हैं, थोड़ा बहुत जो भी उनका संपत्ति था वो साधु सेवा में लगाते हैं, और फिर से वही थोड़ा बहुत कोई डोनेशन देता था वो डोनेशन लाके जगन्नाथ प्रसाद लाते थे, संतों को लाके खिलाते थे, उनका एक ही काम है संतों का खिलाना, ब्राह्मणों की सेवा करना। ऐसे करते करते एक दिन क्या हुआ, कुछ संत लोग आके बोले कि यार कहाँ प्रसाद मिलेगा, तो कुछ लोगों ने बोले रघुअरखित के घर पर जाओ, उधर प्रसाद सबको खिलाता है वो। तो कुछ लोग थे, बहुत सारे लोग थे, पहुंच गए रघुअरखित को, बोले कि रघु आज हमको खाना खिलाओगे क्या? रघु बोलता है कि हाँ महाराज क्यों नहीं। पत्नी को जाके कहते, पत्नी बोलते घर में कुछ नहीं है और ये तो बहुत सारे लोग हैं, इन्हें कैसे खिलाएंगे?
तो अभी कहाँ से क्या लाएंगे? बोले कि चलो यहाँ पर जो व्यापारी हैं बनिया, उसकी दुकान से कुछ लाते हैं पैसा, तो वो अपना सारे अलंकार निकाल के देती है, उनके घर वाले जो दिए थे। रघु कहता है कि मैं भिखारी हूँ, यहाँ पे सब लोग जानते हैं मुझे कि मैं भिखारी हूँ, ये सब अचानक सोना वोना लेके जाऊँगा तो मेरे को कोई बंदी बना लेगा, बोलेगा कि चोरी करके लाया कहीं से करके, तो मैं क्या करूँ, तुम ही जाओ ना। तो पत्नी जाती है फिर वो बनिया के पास, बनिया बोलता है मैं देखो सोना नहीं चाहिए, तू चाहिए बोल, तब जाके मैं तेरे को जो चाहिए वो दूंगा। वो फिर पति के पास आती है कि रोके रोके बोलती है कि वो तो ऐसा बिहेव कर रहा है। तो फिर पति बोलता है देखो हमारे पास एक ही उपाय है, साधु सेवा करना है। साधुओं की सेवा करने के लिए किसी भी हद तक हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार होना चाहिए हमें, तुम क्या बोलती हो बोलो। पत्नी बोलती है ये शरीर आपका है, आप जो आदेश दोगे वो मेरे लिए फाइनल है, आप बोलो क्या करना है। पति बोलता है कि साधुओं की सेवा पहले करना है, तो इसलिए हमें सभी शर्तों में राजी होना चाहिए। पत्नी आंखों से आंसू गिराती है, बोलती है कि मैं आपकी दासी हूँ, आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। वो जाके बनिया को कहती है कि तुम्हें जो भी चाहिए हम उसमें तैयार हैं, हमको पहले अनाज दो, साधुओं की सेवा करना है, और बाद में रात को घर आ जाना, मेरे ही घर आ जाना। तो फिर वो बड़ा खुश हो जाता है, तो फिर वो खुश होकर उसको जो चाहिए सब देता है, बड़ा अच्छा से पकवान बनाते हैं, जगन्नाथ पुरी से भी कुछ लाते हैं, साधुओं को इतना सुंदर सेवा करते हैं कि साधु बड़े खुश हो जाते हैं। सारे साधु आशीर्वाद देते हैं कि सुहागन बने रहो, इनको अच्छा भक्ति करो, ऐसे सब आशीर्वाद देते हैं और दे के साधु चले जाते हैं। रात हो जाता है, रात को फिर वो आता है, बनिया आता है इसके घर में। पति कहता है कि देख तू उसको उसी प्रकार से सेवा करना जिस प्रकार से तू मेरा सेवा करती है, और क्योंकि हमने नहीं तो वो दुखी होगा, साधुओं का किया हुआ फल जो है ना हमको नहीं मिलेगा। ऐसे पत्नी को समझा के दूसरे कमरे में चला जाता है। बनिया आता है, दरवाजा ठोकता है, पत्नी कहती है कि अंदर आ जाइए सर, तो बनिया अंदर आता है। अंदर आके देख के डर जाता है वो, वहाँ बेहोश हो जाता है और उठ के प्रणाम करने लगता है, माँ मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि जो अन्नपूर्णा है स्वयं भगवान के गोद में बैठी हुई थी, स्वयं प्रभु बैठे हुए हैं और प्रभु के गोद में अन्नपूर्णा बैठी हुई है। वो देख के एकदम दंडवत प्रणाम करके रोने लगता है कि मैं कितना पापी हूँ जो मेरी माँ तुल्य, क्योंकि स्वयं लक्ष्मी नारायण दिख रहे थे जो मेरी माँ है, और उसको मैं कौन सी दृष्टि से देख रहा था करके रोने लगा, पैर पकड़ कर रोने लगा। तो फिर आवाज़ दूसरे कमरे में गया, रघु आता है कि हो क्या ये, रो क्यों रहा है करके, मेरी पत्नी बजाय मतलब कुछ मारी वारी तो नहीं उसको, क्या हुआ करके। वो आके देखता है तो ये बोला कि मेरी पत्नी को क्यों प्रणाम कर रहे हो? बोलता है कि तुम्हारी पत्नी भगवान की गोद में बैठी हुई है और मैं कितना पापी हूँ उनको दूसरे मतलब खराब नज़र से देख रहा था, तो दोनों को कुछ दिखा नहीं मगर उसको दिख रहा था कि प्रभु के गोद में बैठी। तो फिर वो क्षमा मांगा, फिर वो डिवोटी बन गया, वहाँ से चला गया। फिर ये वो सारा संपत्ति इन लोग को दे दिया, अन्नपूर्णा को और उसके पति को। उन लोगों ने साधु सेवा करते रहे इस प्रकार से अंतिम जीवन तक जो है ना जगन्नाथपुरी में रहे। इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ हरेक परिस्थिति में हरेक कष्ट से अपने भक्तों को रक्षा करते हैं। बोलिए जगन्नाथ स्वामी की।